आज का हमारा पहला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 51। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छ ये मिलके बनता है क प्लस स से, और ये जो होता है संयुक्त व्यंजन होता है, या संयुक्त वर्ण कह लीजिए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। विभावरी किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर है, ये जो है ऑप्शन बी, तद्भव शब्द है। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में है बहुव्रीहि समास। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें है अति उपसर्ग। प्रश्न संख्या 55 है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो इसमें है कर्तृवाच्य। हेमंत को खीर अच्छी लगती है वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है कर्म कारक का। जहां भी कोचिन दिखे वहां पे कर्म कारक होता है। वकील किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वकील फारसी भाषा का शब्द है। आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंख फटी रहना यानी आश्चर्यचकित रह जाना। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लेखक में अक प्रत्यय है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो इसके लिए जो है आपको एक शब्द बताना है। तो इसके लिए एक शब्द होता है निराकार। निम्न विकल्प में से विसर्ग संधि का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें कि विसर्ग संधि नहीं लगी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीपोत्सव में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका जब विच्छेद होगा तो वो होगा दीप प्लस उत्सव, और इसमें जो है आपका गुण संधि होगा, ना कि विसर्ग संधि। नमस्कार का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी, नमः प्लस कार। वह आता, इसमें वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भिक्षुक। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन हैं? तो अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, करण कारक। और अगर ऑप्शन में अपादान होता तो वो भी राइट आंसर होता। प्रश्न संख्या 66 है, वे अविकारी शब्द जो वाक्यों वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए जहाँ भी आपको सा सम सरिस ये सब दिख जाए तो वहाँ पे जो है आपका उपमा अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है ऑप्शन डी, सुषुप्ति। अवर शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होता है प्रवर। प्रश्न संख्या 70 है, क्या वह पढ़ रहा है वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा? तो यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है तो आसान सा प्रश्न है, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। आदिकाल व भक्तिकाल का संधि कवि किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यापति को। निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए, तो इसमें से अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन सी, तुम तो अपना काम करो। ये जो है अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा तुम अपना काम करो। लघुर्मी में कौन सी संधि है? यहाँ पे ऑप्शन ए है अयादि स्वर संधि, बी सी और डी ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो कौन सा आंसर राइट होगा?
आपको लघुर्मी में संधि विच्छेद बताना था। तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो ये होता है लघु प्लस ऊर्मि से मिलके ये बनता है लघुर्मि, और इसमें जो है आपका दीर्घ स्वर संधि होता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसमें रूढ़ शब्द है पीला, प्रश्न संख्या 75 अ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। तो इसमें अ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है? तो ये है अवैतनिक। कंचन का पर्यायवाची है, तो कंचन का पर्यायवाची होता है स्वर्ण। उन्मीलन का विलोम शब्द है, तो उन्मीलन का विलोम होता है ऑप्शन, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे ऑप्शन है, यहाँ पे होगा निमीलन। प्रश्न संख्या 78 जो पहले कभी नहीं हुआ हो, तो इसके लिए एक शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अभूतपूर्व। पानदान शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है। आँख अंधा नाम नयन सुख का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है गुड़ के विपरीत नाम। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो सूर सागर ब्रज भाषा की रचना है। दिगंबर शब्द उदाहरण है कौन से संधि का? तो ये होता है दिक् प्लस अंबर, तो इसमें है ऑप्शन डी व्यंजन संधि। इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है, तो इसमें से कौन सा जो है वाक्य वो सर्वनाम रहित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहन पढ़ता है, इसमें कोई सर्वनाम नहीं लगा है। मृगावती किसकी रचना है? तो ये है कुतुबन की। निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करें, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है, ये जो वाक्य है ये संयुक्त वाक्य है। प्रश्न संख्या 87 वह प्रातः उठकर स्नान करता है वाक्य क्रिया विशेषण है, तो इसमें कौन सा जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उठकर जो है ये क्रिया विशेषण है। निम्न में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कामायनी, और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं प्रविशेषण। 91 नंबर का प्रश्न है अक्षत का विलोम शब्द है, तो अक्षत का विलोम होता है ऑप्शन बी नक्षत। कृष्णार्जुन में समास है, तो इसमें कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कृष्णार्जुन में है द्वंद्व समास, और जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये होगा कृष्ण और अर्जुन। जो काम न करना चाहे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा अकर्मण्य। यामा किसकी रचना है? तो यामा है महादेवी वर्मा की रचना। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो ये होता है करुण रस का। प्रश्न संख्या 96 स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं यौगिक शब्द। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो ये है मंगलेश डबराल की। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आलय, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99 अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें है अति उपसर्ग, तो 99 का ऑप्शन ए राइट है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है राम ने कहा गाड़ी पलट गई कौन सा वाक्य है?
तो इसमें है मिश्र वाक्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी।